ओम नमो भगवते रुद्राय। आप समस्त शिव भक्तों को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं। विषय है कि प्रदोष व्रत हमें कैसे करना चाहिए, अथवा प्रदोष व्रत के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। अनेक प्रकार के प्रश्न प्रदोष व्रत को लेकर चलते हैं। पहले तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि हमें प्रदोष व्रत क्यों करना चाहिए, और मैं क्यों आग्रह करना चाहूंगा आपसे कि आप प्रदोष व्रत करें। देखिए, इस बात को ऐसे समझिए जैसे पुष्पों में कमल पुष्प है, जैसे अनंत ब्रह्मांडों में पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी में श्रेष्ठतम भारतवर्ष है, जैसे भारतवर्ष में श्रेष्ठतम तीर्थ काशी है, जैसे नदियों में गंगा है, उसी प्रकार से भगवान शिव के भक्तों के लिए अनंता अनंत व्रतों में प्रदोष का व्रत है, प्राचीनतम व्रत है और शास्त्रोक्त व्रत है। इंद्र ने प्रदोष का व्रत किया तो वृतासुर पर विजय प्राप्त कर ली। माता पार्वती ने प्रदोष व्रत किया तो भगवान शिव को प्राप्त कर लिया। जिन्होंने भी निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत किया उनकी सारी मनोकांक्षाएं मनोरथ मेरे महादेव ने पूर्ण किए। प्रदोष व्रत साकाम भाव से करो, निष्काम भाव से करो। मात्र प्रदोष व्रत करने का एक दृढ़ संकल्प आपके अंदर होना चाहिए। पहला तो सिद्धांत यह है कि दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि मुझे प्रदोष व्रत करना है। क्यों करना है? भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए करना है। क्यों करना है? अपने गृहस्थ की सुख शांति के लिए करना है। क्यों करना है? बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना हेतु करना है। क्यों करना है? मुझे शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए मुझे प्रदोष का व्रत करना है। समस्त दोष जो आपकी कुंडली में व्याप्त है, आपके घर में व्याप्त है, आपके जीवन में व्याप्त है, प्रत्येक दोषों का मूल भंजन मात्र केवल प्रदोष व्रत के माध्यम से हो जाता है। स्कंद प्राण में प्रदोष व्रत की अनंता अनंत महिमा उद्घटित है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए और शिव की भक्ति से जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रदोष का जो व्रत है ना, यह आपको भगवान शिव से जोड़ता है। भगवान शिव के निमित्त पूजन, भगवान शिव के निमित्त जप और सबसे श्रेष्ठ साधन है व्रत करना, नियम धारण करना कि मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं। ऐसे निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करने वाला ना भगवान शिव को अपने निकटतम पाता है। प्रदोष व्रत करने वाले को ऐसा लगता है कि मानो भगवान शिव मेरे निकट हैं, इतना श्रेष्ठतम व्रत है प्रदोष का व्रत। इसलिए प्रदोष व्रत से क्यों हम दूर भागें? करना चाहिए प्रदोष का व्रत। आप करें, बाल गोपाल करें, बच्चे करें, मेरी माताएं करें, जिनका विवाह हो गया है वह भी करें, जिनका विवाह नहीं हुआ है वह भी करें। विद्यार्थी तो प्रदोष का व्रत जरूर करें, किंतु हम स्कंद प्राण में पढ़ रहे थे कि मेरी माताओं को, बहनों को प्रदोष व्रत का जो व्रत है ये तो विशेषतम रूप से करना चाहिए। मेरी माताओं के लिए प्रदोष व्रत अवश्यमेव होना चाहिए। प्रदोष व्रत क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर आप जानते हैं चार युग निरंतर रूप से चलते रहते हैं। इस समय कलिकाल का प्रभाव है और हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्माकृत युगे देव त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरम दैवतम विष्णु कलौ देवो महेश्वर। सत्य आदि तीनों युगों में ब्रह्मा जी का, सूर्य भगवान का और विष्णु जी का प्रताप रहा, किंतु उस कलिकाल में कलौ देवो महेश्वर भगवान शिव का प्रभाव है। इसलिए कलयुग के जो अधिष्ठात्री देवता है वो भगवान शिव है। इसलिए अनंत रूपेण भगवान शिव की भक्ति करनी चाहिए। अब आप चाहते हो कि साधन क्या है? प्रदोष का व्रत ये श्रेष्ठतम साधन है। पूछते रहते हो भगवान शिव को प्रसन्न कैसे करें। वैसे तो श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जितनी निष्ठा श्रद्धा और विश्वास से आप प्रदोष का व्रत करते हैं उतनी महती कृपाएं, अनंत कृपाएं मेरे बाबा की आपके ऊपर होती हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। और देखो प्रदोष व्रत के विषय में लिखा हुआ है कि त्रयोदश्याम तिथौ सायं प्रदोषः प्रकीर्तितः। आप पूछेंगे प्रदोष क्या है? देखिए, हमारे आठ पहर हैं तो संध्या काल का प्रहर होता है जिस समय सूर्य भगवान अस्त होते हैं और रात्रि का मिलन होता है, तो वो मध्यस्थ जो कालीन वेला होती है उसे हम प्रदोष काल वेला कहते हैं। और शास्त्र कहता है कि प्रदोष व्रत कब किया जाता है? ये दोनों पाक्षिक व्रत है। पाक्षिक का अर्थ है कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आने वाली त्रयोदशी तिथि जो रहती है हम उसे प्रदोष कहते हैं, उसे हम प्रदोष व्रत कहते हैं। क्योंकि प्रदोष व्रत में सबसे ज्यादा श्रेष्ठतम क्या रहता है? बोले प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन संध्या काल में करना, ये प्रदोष व्रत की श्रेष्ठतम विधि कहलाती है। इसलिए इसमें प्रदोष निहित है। निहित का भाव आता है कि इसमें प्रदोष
सम्मिलित है, संध्या काल का समय सम्मिलित है, इसलिए प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि में जो पूजन किया जाता है हम उसे प्रदोष कालीन वेला में प्रदोष व्रत कहते हैं। समझ गए। अब प्रदोष व्रत हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या क्या नियम धारण करने पड़ेंगे। देखिए प्रदोष व्रत अनेका अनेक कामनाओं हेतु किया जाता है। हम पढ़ रहे थे कि यदा त्रयोदशी कृष्णा सोमवारेण संयुता, यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारेण संयुता, तदा तीव्र फलम प्राप्तम धन पुत्रादिकम लभेत। इतना ही नहीं, ऋण मोचनार्थम तु भौमवारेण संयुता, सौभाग्य स्त्री समृद्ध्यर्थम शुक्रवारेण संयुता, आरोग्यम आरोग आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थम भानुवारेण संयुता। कितना सुंदर प्रमाण है। हमारा शास्त्र कहता है कि त्रयोदशी तिथियों जिस वार के दिन पड़े उस वार के अनुसार उस प्रदोष व्रत की महिमा और बढ़ जाती है। जैसे सोमवार के दिन प्रदोष पड़े तो उसे कहते हैं सोम प्रदोष, मंगलवार के दिन पड़े तो उसे कहते हैं भौम प्रदोष, बुधवार के दिन पड़े तो उसे कहते हैं बुध प्रदोष, यदि बृहस्पतिवार के दिन पड़े उसे बोलते गुरु प्रदोष, यदि शुक्रवार के दिन पड़े तो उसे कहते भृगु प्रदोष, और यदि शनिवार के दिन पड़े तो उसे कहते शनि प्रदोष, और यदि रविवार के दिन पड़े तो उसे कहते रवि प्रदोष। अब प्रत्येक प्रदोष की अपनी अपनी महिमा है। देखो समझिएगा, मैं आपको बड़ी सरलता से समझाता हूं। आपके जीवन में आरोग्यता की कामना है, आप बीमार हैं अथवा घर में कोई बीमार है, दवाइयों का असर हो ही नहीं रहा है, डॉक्टर परेशान है कि सारी व्यवस्थाएं करते लेकिन बात बन नहीं रही, दवाइयां भी लग नहीं रही शरीर पर, क्या करना चाहिए? बोले आयु आरोग्य सिद्ध्यर्थम भानुवारेण संयुता, जो आरोग्यता की कामना के लिए निरोगता की कामना के लिए प्रदोष का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं किस दिन करें? बोले रविवार से प्रदोष का व्रत प्रारंभ करो। रविवार से प्रदोष का व्रत प्रारंभ करके फिर प्रत्येक प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए, धीरे धीरे आप देखेंगे दवाइयों का प्रभाव और आरोग्यता का प्रभाव आपके शरीर पर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा, आप उधारी से परेशान हो, ऋण चुकाते चुकाते थक गए हो, आप मेहनत भी कर रहे हो कार्य सिद्ध नहीं हो रहे, तब कहते हैं कि ऋण मोचनार्थम तु भौमवारेण संयुता। यदि आप ऋण मोचन के लिए करना चाहते हैं, आपके सिर के ऊपर कर्ज आए उसकी निवृत्ति के लिए आप करना चाहते हैं तो बोले मंगलवार के दिन से आप प्रदोष का व्रत प्रारंभ कर दीजिए। और कब तक करें? बोले प्रत्येक प्रदोष व्रत को करते रहे, प्रारंभ मंगलवार से करो किंतु प्रत्येक प्रदोष व्रत को करते रहो। आप विवाह हेतु करना चाहते हैं, संतान सुख की हेतु करना चाहते हैं तो आप शुक्रवार से प्रदोष का व्रत प्रारंभ करके फिर आने वाला प्रत्येक प्रदोष व्रत करते रहो। आप अपने जीवन में अत्यधिक शिव कृपा की प्राप्ति चाहते हो तो आप सोमवार से अपने प्रदोष व्रत का प्रारंभ करो। आप जीवन में व्यापार की वृद्धि, आयु की वृद्धि, कार्य की वृद्धि, प्रत्येक सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हो तो शनिवार से आप अपने प्रदोष व्रत का प्रारंभ कर दीजिए। समझने का अर्थ ये है कि प्रत्येक वार के दिन प्रदोष व्रत की एक विशिष्टतम और एक भारी महिमा बन जाती है। अब आपके अनुसार आपको जो वार से व्रत उठाना चाहते हो उस वार से आप व्रत वह प्रारंभ कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे क्या केवल एक ही प्रदोष का करना, नहीं, आप एक साल तक, आप तीन साल तक, पांच साल तक, सात साल तक, नौ साल तक, ग्यारह वर्षों तक, तेरह वर्षों तक अथवा आजीवन आप प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखने वाली है। विशेषता इसमें क्या रहता है? देखिए विशेषता इसमें ये रहता है कि जो यह प्रदोष का व्रत है आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों का बराबर करना चाहिए। आप कहते हैं कि महाराज हमसे इतने व्रत नहीं हो पाएंगे, यदि हम प्रदोष व्रत में कोई मुख्य करना चाहते हैं तो, तब हम आपको सुजेशन देंगे कि आप एक सोमवार के दिन पड़ने वाला सोम प्रदोष, दूसरा मंगलवार के दिन पड़ने वाला भौम प्रदोष और तीसरा शनिवार के दिन पड़ने वाला शनि प्रदोष। देखिए और ये तीनों प्रदोष बड़े विशेष होते हैं और बड़े सौभाग्य से मंगलवार का प्रदोष, बड़ी सौभाग्य से शनिवार प्रदोष व्रत और बड़ी सौभाग्य से सोमवार प्रदोष व्रत करने का सौभाग्य इस मानव तन को प्राप्त होता है। इसलिए यदि आप अत्यधिक प्रदोष का व्रत नहीं कर पाते हैं तो मंगलवार, सोमवार और शनिवार ये तीन प्रदोष के व्रत अपनी ओर से आपको करना चाहिए। क्योंकि प्रदोष काल के समय क्या है? बोले प्रदोष काल की वेला माता लक्ष्मी की वेला है और संध्या काल की वेला भगवान शिव की वेला है। संध्या काल के समय
आप जितना सत्कर्म करते हैं वो सत्कर्म आपको प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि चत्वारी खलु कर्मणि संध्या काली विवर्जयित आहारम मैथुनम निद्रा स्व अध्यायम मरणम ध्रुवम। संध्या काल के समय स्वाध्याय करना, संध्या काल के समय घर के अंदर पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, संध्या काल के समय पर निंदा चुगली करना, संध्या काल के समय स्त्री संसर्ग मैथुन करना, संध्या काल के समय भोजन करना, संध्या काल के समय शयन करना, ये सारे कार्य वर्जित हैं। प्रदोष काल की वेला भगवान शिव की वेला होती है, इसलिए उसमें अधिकाधिक भगवान शिव का अर्चन और पूजन करना चाहिए। शास्त्र प्रमाण में आपको देना चाहूंगा, लिखा है कि प्रदोष समये देव कैलाशे रजतालये करोत नृत्यम विबुधीर रविष्ट उत गुणोदय। शास्त्र कह रहा है कि प्रदोष काल के समय त्रयोदशी प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव अपने रजत भवन में नृत्य करते हैं और फिर माता पार्वती के संग अपने धर्म रूपी बैल में प्रविष्ट होकर भ्रमण करते हैं और उस समय जो जो भक्त शिव भक्ति से जुड़ा होता है भगवान शिव उसे अभिष्ट फलों से अनुग्रहित करते हैं, इसलिए कितना श्रेष्ठतम है। अब प्रदोष का पूजन कब करें? प्रदोष का पूजन देखिए दो टाइम किया जाता है, एक सुबह के समय, दूसरा संध्या काल के समय। अब प्रदोष व्रत के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए? प्रदोष व्रत के दिन पहला नियम, सूर्योदय से आपको निराहार रहना चाहिए और सूर्य अस्त होने के उपरांत शिव पूजन करके फिर आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। क्या प्रदोष काल का जो हम जो प्रदोष व्रत करते हैं क्या इसका भोजन अगले दिन किया जाता है? ऐसा बिल्कुल भी नियम नहीं है। आप संध्या काल के समय, प्रदोष काल के समय शिव का पूजन करके भगवान शिव को भोग लगाकर भगवान शिव की आरती करके उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब इसमें हमें नियम क्या क्या करने होते हैं, इसमें हम हमारा कुछ विशेष नियम है। देखो शास्त्र कहता है कि शिव पूजा नक्त भोजनात्मकम प्रदोषम, जिसमें दो चीजों की बड़ी विशेष सिद्धियां होती हैं। पहला कार्य हम शिव पूजन, दूसरा कार्य नक्त व्रत, अर्थात कि आपको संध्या काल में शिव पूजन करने के उपरांत फिर एक समय का भोजन करना, ये प्रदोष व्रत कहलाता है। अब इसमें आपने नियम क्या क्या रखने, देखिए इसमें पहला नियम तो ये है, जो भी पहली बार व्रत कर रहे हैं अथवा जो व्रत कर रहे हैं उनको भी ये बात समझनी है। इसमें पहला नियम है जलदान का, कितनी जगह जलदान करना चाहिए? चार जगह। मैं कहना चाहूंगा पहला जलदान करना चाहिए सूर्य का, सुबह जल्दी उठ के सूर्य भगवान को जल दीजिए। दूसरा तुलसी माता में जल दीजिए, इससे क्या होगा घर के अंदर दोष उत्पन्न नहीं होगा। तीसरा जलदान कहाँ करना चाहिए प्रदोष व्रत के दिन? बोले बिल वृक्ष में करना चाहिए जिसमें समस्त देवता प्रविष्ट रहते हैं प्रदोष त्रयोदशी के दिन। और चौथा जलदान कहाँ करना चाहिए? शिवलिंग में जाकर शिवालय में। ये कार्य आपने करना चाहिए। पूजन का समय सुबह भी होता है, संध्या काल के समय भी होता है। क्या क्या करना चाहिए सूक्ष्म रूपेण बताना चाहूंगा कि सुबह की पूजा में भगवान शिव पर जाओ, जल में काला तिल भगवान शिव को अर्पण करो, भगवान गणेश जी पर भी जल चढ़ाओ, संपूर्ण शिव परिवार पर जल चढ़ाओ, गणेश जी को 11 दुर्वा अर्पण करो और भगवान शिव पर जल अर्पण करके काले तिल इत्यादि अर्पण करने चाहिए। उसके बाद दो दीप दान करने चाहिए सुबह के समय, एक भगवान शिव के निकट, दूसरा बिल वृक्ष में जावे वहां पर जल चढ़ावे और दूसरा जो दीप दान है वह बिल वृक्ष में करना चाहिए। अब इतना पूजन आपका हो गया, भगवान शिव से प्रार्थना करो कि बाबा मुझे प्रदोष व्रत करने की शक्ति देना, मन वचन क्रम से कुछ भी गलत विचार मेरे मन में ना आवे। इस तरह से संपूर्ण संकल्प धारण करके अपने आप को नियंत्रण में रखें, शुद्धता से रहें। उसके तदुपरांत संध्या काल के समय दूध दही घी शहद शक्कर ये पांच चीजें अपनी पूजा की थाली में बना कर रखें और थोड़ा सा पंचामृत बना लें। पंचामृत अर्थात कि जिसमें दूध दही घी शहद शक्कर ये पांच चीजें मिलाकर जो तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं पंचामृत। 11 तिल, 11 जौ, 11 चावल और 11 बिल्वपत्र और 11 दुर्वा, ये पांच चीजें बनाकर अपनी पूजा की थाली में रख लीजिए। और नियम बनाइए कि एक शिवालय में जाओ, एक नियम बनाना है कि जिस शिवालय में आप सुबह गए हो उसी शिवालय में आप शाम के समय भी जाओ और एक शिवालय अपने जीवन में पक्का बनाकर रखो कि शिवालय में मैं नित्य जाऊंगा, अपने साथ परिवार के साथ बच्चों के साथ सभी के साथ मैं शिवालय में एक शिवालय को पक्का बनाकर रखूं। इस तरह से संध्या काल के समय जाओ और भगवान शिव के निकट बैठकर भगवान शिव को दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान कराओ। अगर इतनी व्यवस्था नहीं भी बनती है कोई बात नहीं, जल में काला तिल अपने घर से लेकर जाओ और भगवान शिव पर चढ़ाओ।
भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाओ। सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण रूपेण आपको करनी चाहिए। इन सारी व्यवस्थाओं को करने के तदुपरांत फिर आपको भगवान शिव के नाम का जप इत्यादि करना चाहिए। ओम नमो भगवते रुद्राय, इन मंत्रों का जप अवश्यमेव कर लेना चाहिए। इस तरह से संध्या काल के समय भगवान शिव का पूजन करके 5 दीपदान करने चाहिए। पहला दीपदान अपने साथ मिट्टी के दिए बनाकर लेकर जाओ, ठीक है, उसमें तिल का तेल डालो। पहला दिया शिवालय में करना चाहिए, दूसरा दिया गणेश जी के सामने लगाना चाहिए, तीसरा दिया संध्या काल के समय बेल वृक्ष के नीचे करना चाहिए, चौथा दीपदान अपने घर में तुलसी माता में करना चाहिए, और 5वां दीपदान जो आपके घर के सामने चौखाट रहती है ना, जहां से आप अंदर प्रवेश करते हैं घर के, वहां पर करनी चाहिए। इस तरह से आपने संपूर्ण पूजन करना चाहिए। मन वचन कर्म से आपको ये पूजन करना चाहिए। इसमें हमने भोजन क्या खाना चाहिए, इसमें हमको मीठा भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि सामर्थ्य है मीठा भोजन, नहीं सामर्थ्य है तो सेंधा नमक के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। शिव पूजा करने के उपरांत आप फिर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब इसमें विशेष क्या रहता है, इसमें पुरुषों को यदि यह पुरुष व्यक्ति व्रत कर रहा है तो सफेद श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, और कोई माताएं करनी है तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। तो इस तरह से यह संपूर्ण नियम बद्ध अनुरूपेण रूपेण आप यदि प्रदोष व्रतों को करते हैं तो जीवन में महिमा अद्भुत रूप से घटित होती है और महादेव की अनन्य कृपा आपके ऊपर बनती है। अब आप स्वयं विचार करें, मंथन करें, चिंतन करें, भगवान शिव का ये अनन्य प्रदोष व्रत अब आपको करना चाहिए। यह हमने आपको अपनी ओर से समझा दिया है। अब भी कोई मन में शंका रह गई है तो वह शंका का समाधान आप अपने कमेंट्स के माध्यम से मेरे से पूछ सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस व्रत को करने के लिए इच्छा शक्ति दृढ़ संकल्प होना अत्यंत अनिवार्य रहेगा। श्रद्धा के साथ करना, विश्वास के साथ करना, और मुझे भरोसा है कि जो प्रदोष व्रत की ये गूढ़ बातें मैंने आपके निकट रखी हैं आपको अच्छी लगी होंगी। और जो जो भी माताएं, जो जो भी भक्त प्रदोष का व्रत करना चाहते हैं, इस वीडियो को देखकर उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगी, और आगे भी अपने प्रिय शिव भक्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम। जपते रहिएगा ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।